तो क्या आपने कभी दो कंट्रीज में एक साथ स्टेप किया है? मैंने तो किया है. एंड दिस राइट हियर बिहाइंड मी इज द इंडो भूटनीज बॉर्डर एंड दिस इज भूटान गेट. और मैं हूँ अभी फुंचलिंग टाउन में. एंड पर्सनली मुझे सोलो ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट रियली फिल्स मी विद अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड पर्पस. एंड मुझे ऐसा लगता है कभी भी अगर मुझे मेरे खुद के थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करने वाली क्लैरिटी चाहिए होती है ना जीवन में, तो सोलो ट्रिप इज द बेस्ट ऑप्शन. सो आई थिंक सोलो ट्रैवल करने का सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है दैट यू ऑलवेज एंड अप लर्निंग हाउ टू एंजॉय योर ओन कंपनी, विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव. क्योंकि ऑनेस्टली व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू सेड दैट यू वर हैविंग अ लोन टाइम एंड स्पेंडिंग इट विदाउट योर फोन. पर ऐसा नहीं है दैट यू ऑलवेज हैव टू बी बाय योरसेल्फ टू एक्चुअली एंजॉय सोलो ट्रैवल. आप नए फ्रेंड्स भी बना सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो कीप मीटिंग पीपल अलॉन्ग द वे, मेकिंग अक्वेंटेंसेज, फाइंडिंग न्यू थिंग्स टू डू थ्रू पीपल, आस्क देम क्वेश्चंस, एंड दैट इज अनदर रियली गुड क्वालिटी ऑफ सोलो ट्रैवल. तो मैं हूँ अभी एशियन किचन में और यहाँ पे मेरे साथ है आयुष. हाय. और आयुष की मम्मी. हाय. और आयुष मुझे मिला इंस्टाग्राम के थ्रू. और आंटी जो है यहाँ पे उनका खुद का बिजनेस है और आंटी ने मुझे बहुत ही सारी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनाई, तो मुझे तो आयुष और आंटी से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है. हाय गाइस. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और मुझसे मिलने के लिए. बहुत अच्छा लगा. हाँ, इतने जगह घूम रहे हो, अकेले इतना ट्रैवल कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. और पता है सबसे खास बात क्या, आंटी भी मेरी वीडियोस देखती है. आंटी नहीं, मेरा एल्डर ब्रदर भी. हाँ, वो भी देखते हैं, हम सब देखते हैं टीवी पे लगा के. थैंक यू. तो नहीं कर रहे ना, उन लोगों को भी करना चाहिए सब्सक्राइब. बहुत अच्छा. और जो आप कर रहे हो ट्रैवलिंग, वो सबको करना चाहिए. कंटिन्यू रखना. थैंक यू सो मच. अब लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं इज इट डेंजरस, इज इट डिफिकल्ट. पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट एज डिफिकल्ट. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हमेशा किसी जगह के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए बिकॉज दैट रियली हेल्प्स यू ईज इन टू द प्रोसेस ऑफ ट्रैवलिंग सोलो. जैसे कि मैं कल ही दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ एंड इट वॉजन्ट एज डिफिकल्ट. आई जस्ट टुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू बागडोगरा. आई गॉट ऑफ एट द एयरपोर्ट एंड आई टुक अ टैक्सी फ्रॉम जस्ट द एयरपोर्ट इटसेल्फ. वहाँ पे एक बुकिंग काउंटर होता है and I waited over there for 5 minutes and I even found somebody who could share the cab with me in it because it was a prepaid cab. मुझे ऐसे security का भी कोई डर नहीं लगा. तो जो 2500 की कैब होती है उसके लिए मुझे सिर्फ 800 rupees पे करने पड़े बिकॉज देर आर टू मोर पीपल हु आर शेयरिंग द कैब विद मी. एंड आई गॉट टू फुंचलिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड दिस होटल दैट आई एम स्टेइंग इन वाज ऑलरेडी बुक्ड आउट. तो ये है वो होटल जहाँ पे मैं रह रही हूँ. दिस इज कॉल्ड सेंटेनियल होटल एंड ये है फुंचलिंग में. जो भी आप होटल बुक करो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए. जैसे कि अगर फुंचलिंग में आओगे आप तो आप नोटिस करोगे कि बॉर्डर के अक्रॉस यहाँ पे और दूसरी साइड पे दो जगहें हैं. एक इंडिया के साइड पे जयगांव है और इस साइड पे फुंचलिंग है. बट फुंचलिंग में अगर आप होटल बुक करोगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा. तो आई थिंक होटल इज़ ऑल अबाउट गुड लोकेशन एंड ऑल्सो इट शुड बी कन्वीनियंटली लोकेटेड सो दैट यू कैन ईजिली एक्सेस डिफरेंट प्लेसेज अराउंड द होटल. सो दिस इज माई रूम हियर इन फुंचलिंग. दिस इज कॉल्ड सेंटेनियल होटल एंड आई एम गोना गिव यू अ क्विक रूम टूर. सो दिस इज एक्चुअली द आउटसाइड एरिया और पूरा जो रूम है वो ट्रेडिशनल भूटनी स्टाइल में डेकोरेटेड है विच इज एब्सोल्यूटली ऑसम. वी हैव लाइक ऑल द एमिनिटीज ऑफ अ प्रॉपर रूम, ऑल्सो फ्री वाई फाई विच इज अमेजिंग. And this is the room that I'm going to be staying in. But guys, if you are planning to come to Bhutan and if you want to stay in the same hotel room, so I'm going to leave a link in the description box below, and if you want to book this hotel room you can use that link. You will get a 700 rupees voucher and even I'll earn a 700 rupees voucher, so it's a win-win for both of us. So please us link ko use kare aur ye hotel book kare. Aur ha, end to end bookings ke sath sath also always take care of first your personal safety. Personal safety should never be compromised. Agar aapko kuch extra paise bhi kharch karne hai just to make sure that you're in a safe cab or if you're in a prepaid cab, please don't ever hesitate because your personal safety is always more important than your money spent maybe. Aur ha, personal safety ke sath sath also take care of your luggage because kai baar aisa hota hai that people end up losing their stuff on the trip and usse bas experience aapka kharab hi hota hai. Especially if you carry a lot of expensive stuff, please always take care of your things.
And अगर आपको completely अकेले नहीं travel करना है और if you hesitate कि booking कैसे होगी या फिर अकेले manage कैसे होगा, मैं अपने luggage को कैसे handle करूँगा या करूँगी, so don't ever hesitate in taking a group trip because group trips are also a great way of easing your way into a solo trip. मतलब technically तो आप solo ही travel कर रहे होंगे because you won't be going with your friends. But at least एक organized group में and meeting new strangers and still having that actual experience of traveling by yourself. तो अगर आप पहली बार solo travel कर रहे हो, do not hesitate in ever taking a group trip क्योंकि उससे at least you learn कि कैसे अकेले travel किया जाता है, आखिर करते कैसे हैं. You know what's a great money saving tip? You should always walk to wherever you want to get to. Anywhere that you are in the world, it always works. So your hotel should ideally always be close to the places that you intend to visit. And for me, that's going to be the permit office. So guys, that is the permit office. And ye hai ek photocopy shop right across. And from here, I'm getting the form, which I'll require. And a photocopy of my passport. And you also require two passport size photographs. In my case, I was already carrying it because I read the rules when I left from home. So ye raha mera passport aur ka photocopy and the form. So all set. काम डन, मेरे को परमिट मिल गया है एंड नाउ माई पासपोर्ट इज स्टैम्प्ड. सो आई हैव समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस. सो इट्स लाइक अ 7-day परमिट और भूटान में 7-day का ही परमिट मिलता है. एंड ऑल्सो इफ यू आर अ सोलो फीमेल ट्रैवलर देन यू हैव टू साइन एन अंडरटेकिंग. तो मुझे एक अलग से लेटर पे अंडरटेकिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साइन करके बनानी पड़ी. इट वॉज जस्ट अ बेसिक लेटर दैट वॉज एड्रेस टू द इमिग्रेशन ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फुंचलिंग भूटान. तो अगर आप भी सोलो फीमेल ट्रैवलर हो सो प्लीज साइन एन अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट. एंड अनदर रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट फॉर सोलो मेल ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया और फॉर ऑल द वीजा फ्री कंट्रीज ट्रैवलिंग इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. परमिट सोलो मेल ट्रैवलर्स को नहीं मिलता है, सोलो फीमेल ट्रैवलर्स को मिल जाता है. सो ऑनेस्टली आई फील सो प्रिविलेज्ड राइट नाउ फॉर अ चेंज. बट दैट जस्ट गोज ऑन टू मीन दैट मोर फीमेल्स फ्रॉम इंडिया शुड ट्रैवल सोलो टू भूटान एंड मे बी मेक योर वे टू ओवर हियर क्योंकि भूटान इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी सेफ कंट्री फॉर ऑल वुमेन. तो ये रही मेरी सोलो ट्रिप की शुरुआत टू भूटान फ्रॉम इंडिया बाय रोड. मुझसे लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि सोलो ट्रैवल करके कैसा लगता है, तो ये वीडियो उन सब के लिए डेडिकेटेड है. एक बार ट्राई करके तो देखो, इट विल बी क्वाइट एन एक्सपीरियंस. आगे चल के मैं अपनी ट्रिप के बारे में जरूर शेयर करूंगी. स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन सब्सक्राइब. ओके, सो अनदर हैक फॉर सेविंग मनी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो इज दैट यू शुड ऑलवेज शेयर योर कैब्स, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे कैब तो बहुत महंगी पड़ेगी. आई एम करेंटली सिटिंग इन अ शेयर्ड कैब फॉर हेडिंग टू पारो बिकॉज फ्रॉम फुंचलिंग आई एम हेडिंग टू पारो एंड गोइंग टू स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 2 days. So join in for the next video because we are going to be touring Paro. And with this, I'm going to end this video and main milungi aapse agle video mein. Until then, see you guys.